माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपका धन्यवाद व आभार। आप देख रहे हैं रायबरेली समाचार। रायबरेली वालों का अपना चैनल। सुपरमार्केट में 51 किलो जलेबी बांटकर जश्न मनाते भाजपा। जिला अध्यक्ष ने हजारों लोगों को जलेबी बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा कराकर खुशी मनाते। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार प्रचंड जीत की खुशी में सुपरमार्केट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 51 किलो जलेबी बंटवाए। हजारों आम जन मानस को बांटा व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत का जश्न मनाते लोगों का मुंह मीठा किया। भारत माता की जयकारों से लगातार तीसरी जीत की खुशी मनाते और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे से गूंजा सुपरमार्केट। इस अवसर जिला अध्यक्ष भाजपा बुद्धिलाल पासी, जिला महामंत्री देवेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह प्रवक्ता, जिला मंत्री संतोष गुप्ता, शरद सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य संतोष पांडे, रजा जैदी, गंगेश कार्यक्रम के आयोजक आशीष पाठक सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बारे में उनको पता नहीं। रायबरेली समाचार चैनल देखने वाले हमारे सम्मान दर्शकों को धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कार्यालय तिलक भवन के सामने छोटे से गुमटी में बनने वाली ये जलेबी आज पूरी रायबरेली के मार्केट में बांटकर राहुल गांधी को संदेश देना चाहते हैं कि जो उनकी फैक्ट्रीवादी नीति है वह जवान, किसान और पहलवान नकार कर हरियाणा में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ऐसा क्या घोषणा हुई थी जिसकी वजह से ये आज आप लोग लड्डू या मिठाई बांटने की वजह जलेबी बांट रहे हैं? अब जिनको बार बार ढकेल कर कांग्रेस की पार्टी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाना चाहती है उनको भारतीय जलेबी को भारतीय पकवान कहा जाता है, सबसे बड़ा मिष्ठान कहा जाता है, भारतीय मिष्ठान के रूप में घोषित है, उसकी फैक्ट्री लगवाने के उन्होंने घोषणा की थी हरियाणा में। तो जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि जलेबी कहाँ बनती है, कैसे बनती है, कभी वो अपने कार्यालय के बाहर देखे होते तो आज राजू जलेबी जो छोटा सा व्यक्ति है वो अपने ठेलिया में जलेबी बेचता है। तो वह व्यक्ति जिसको जानकारी नहीं है कि जलेबी की फैक्ट्री होती है, कि दुकान होती है, कि खोपचे भी लगती है, ऐसे व्यक्ति की आंखों को खोलने के लिए हम लोगों ने आज रायबरेली में उनके संसदीय क्षेत्र में जहां से वो जीत कर गए दोबारा आए नहीं, उस संसदीय क्षेत्र में फैक्ट्रीवादी उनकी नीति के विरोध में आज यहाँ हम जश्न मना रहे हैं जलेबी की। तो ये हाँ भैया, क्या नाम है? सर मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं CRPF रिटायर्ड हेड कांस्टेबल ड्राइवर पद से रिटायर्ड आया हूँ। आज क्या कहना चाह रहे हैं? आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हरियाणा की जीत हुई है ये हमारे हरियाणा की जनता और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत है और इनकी जीत अभी कई वर्षों तक होती रहेगी, क्योंकि हमारे माननीय राहुल गांधी जी एक ऐसे सांसद हैं कभी रायबरेली के विकास के बारे में नहीं सोचे, कभी विकास के बारे में सोचे नहीं। रोडों पर खड्डे बने हैं, गड्ढे बने हैं, यहाँ की बस्तियों की हालत खराब है। लेकिन ठीक है, ये मुद्दा आज नहीं है, ये जीत का मुद्दा है। पर्चे दे दीजिए। विश्व प्रकाश पाठक, शहर निवासी। किस बात की खुशी मनाई जा रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की हरियाणा में तीसरी बार बन रही सरकार के परिपेक्ष में भारतीय जनता पार्टी रायबरेली के जिलाध्यक्ष आदरणीय बुद्धिलाल जी के नेतृत्व में एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज जलेबी वितरण का कार्यक्रम किया गया। और मैं राहुल गांधी जी को एक संदेश देना चाहता हूं कि यहां पे अंग्रेजों द्वारा राज करने के उपरांत अगर वो जलेबी की व्यवस्था और जलेबी बनाने की व्यवस्था नहीं समझ पाए तो ये भ्रष्टाचारी आतंकवादियों का सहयोग करने वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। और जो तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी ने अल्पकाल में इतना हरियाणा का विकास किया, किसान, नौजवान और महिलाओं के कल्याण के लिए अगर हरियाणा में काम किया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारों की एक जो योजना है कि आम जनमानस तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुँचे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य होना चाहिए। आइए, हमारे भी ये भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा के, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीप चंद जैन है, मैं भारतीय जनता पार्टी का भूतपूर्व जो कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ। और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी हैं
जो ये ग्लोबल लीडर के रूप में काम कर रहे हैं और पूरा विश्व इनको एक आदर्श के रूप में देख रहा है। आज चाहे जो भी कंट्री हो, हर आदमी ये कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और जो हमारे हरियाणा के अंदर जो ये इलेक्शन हुआ, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी रूप से जो है इसमें इस मुद्दा बनाया गया कि नहीं, हमको हुड्डा जी को बनाना है। और हुड्डा जी एक प्रकार से देखा जाए तो है योग्य व्यक्ति, लेकिन योग्यता के साथ साथ अनुभव, और अनुभव के साथ साथ एक चीज़ और देखी जाती है कि हर जात को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप किसी को इग्नोर करोगे, किसी के साथ बहुत अच्छा करोगे, समाज में एक दूसरे को गाली दोगे। ठीक है, बहुत लंबा नहीं, समय नहीं इतना, परिचय दे दीजिए। संतोष पांडे, जिला कार्य समिति सदस्य, निवर्तमान नगर अध्यक्ष, भाजपा रायबरेली। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर? आज बहुत बड़ी जीत है हरियाणा में। तीसरी बार हैट्रिक सरकार। अगर जनता के अंदर विश्वास अगर हमारे काम का नहीं होता तो जनता हमें नहीं चुनती। हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास जनता ने किया है, मैं हरियाणा की जनता के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो